हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे बोल्ट ऑडियो की तरफ से आने वाले इन ईयरफोन्स के बारे में, जिनका नाम है एयरबेस लाइव बर्ड्स। ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स बोल्ट ऑडियो की तरफ से आ जाते हैं। इनका प्राइस इन्होंने रखा हुआ है 1700 से 2100 के बीच में, मीन्स ऑफर्स में आपको 1700 के आसपास मिल जाते हैं, और अगर नॉर्मल प्राइसिंग जो इनकी है 2100 के आसपास रखी गई है। इस प्राइस में इनके फीचर्स कैसे हैं, आपको ये लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, हम इनके बारे में बात करेंगे। उसके पहले आप जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग देख ले क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इनकी अनबॉक्सिंग देख ली, तो ये इस केस के साथ आते हैं। केस कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है, काफी कॉम्पैक्ट सा केस है। ऊपर अगर बात करें आपको बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग मिल जाती है, और इनका जो डिजाइन है थोड़ा अलग सा डिजाइन बनाया गया। यहाँ कुछ इनग्रेव सा शेप बना हुआ है, ये पैटर्न बना हुआ ऊपर एक, और ऐसे थोड़ा रबराइज फील आती है। इसे पकड़ते हैं अगर आप, तो थोड़ा रबराइज फील आती है। ऐसे तो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है ये पूरी, और अगर अंदर की बात करें तो आपको केस कुछ इस तरह से मिलता है। ये मैग्नेटिक केस है, और आपको बर्ड्स भी इस तरह से मिल जाते हैं, बर्ड्स भी मैग्नेटिक हैं। आपको पीछे की तरफ चार्जिंग स्लॉट मिलता है जो कि माइक्रो यूएसबी स्लॉट है। यहाँ ये थोड़ा सा कमी रखी है, टाइप सी नहीं दिया गया है, माइक्रो यूएसबी आपको मिल जाता है। और आपको कोई भी LEDs केस के ऊपर नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप केस को खोलते हो तो आपको इसके अंदर की तरफ यहाँ LEDs मिल जाती हैं जो केस का चार्जिंग लेवल बता देती हैं। और साथ साथ बर्ड्स कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। बर्ड्स की अगर बात करें तो बर्ड्स का डिजाइन कुछ इस तरह से आपको मिलता है। लाइट वेट है बर्ड्स, आपको यहाँ टच कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, ये फिजिकल बटन्स दिए हुए हैं इसके ऊपर, और फिजिकल बटन्स थोड़े से मुझे हार्ड लगे। इसके बाद अगर बात करते तो ये फुल इन ईयर डिजाइन है। आप देख रहे होंगे इनको काफी अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा आपको ईयर कैनाल में, तब जाके एक नॉइज आइसोलेशन बनती है। ऐसे डिजाइन नॉर्मल सा है, और ऊपर की तरफ आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं दोनों बर्ड्स में, जिससे आपको इनका पेयरिंग स्टेटस और इनका कनेक्शन स्टेटस आपको आइडिया हो जाता है। और ये भी अगेन मैग्नेटिक है, मैं आपको दिखा दूं, ये मैग्नेटिक है। अब बात करते हैं कंट्रोल्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस पे आपको फिजिकल बटन्स मिलते हैं, दोनों बर्ड्स में आपको फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। ये सारे तरह के कंट्रोल सपोर्ट करते हैं, इवन कि इस पे वॉल्यूम कंट्रोल भी इनबिल्ट दिया हुआ है। आप बर्ड्स के थ्रू ही वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकोगे, मीन्स कम ज्यादा कर पाओगे। इसके बाद अगर आते हैं कनेक्टिविटी की बात कर लें, कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया है इन्होंने, और साथ साथ आपको ओपन एंड कनेक्ट का भी फीचर दिया है। मीन्स अगर आप केस को ओपन करते हो तो ये पेयरिंग में चल जाते हैं, आपको बर्ड्स को केस से बाहर नहीं निकालना पड़ता है। आपको कोई भी डुअल पेयरिंग तो नहीं मिलता है, और आपको इंडिविजुअल मोनो मोड मिल जाता है। दोनों बर्ड्स को लेफ्ट और राइट अलग अलग से यूज कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ कॉल्स लेने के लिए यूज करना है आपको कर सकते हो। इस पे अल्ट्रा लो लेटेंसी भी बोला है बोल्ट ऑडियो ने कि वो भी सपोर्ट है। इवन कि उन्होंने बताया कि 51% तक लेटेंसी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन वो कैसी है मैं आपको आगे मेरे गेमिंग टेस्ट में दिखा दूंगा, उसके लिए आप आगे वीडियो देख लो। इसके बाद बात करते हैं वाटरप्रूफ की। ये IPX5 सर्टिफाइड है, तो IPX5 है तो आप समझ सकते हो, आप थोड़ी बहुत बारिश में जिम जॉगिंग में आराम से यूज कर पाओगे, कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। अब आ जाते हैं, बात करते हैं इनका म्यूजिक टाइम कितना है। तो म्यूजिक टाइम में जो बोल्ट ऑडियो ने रेट किया है इन्हें, उन्होंने बताया है कि आप एक बार इन्हें जब फुल चार्ज करते हो तो ये बर्ड्स 6 से 8 घंटे का म्यूजिक टाइम देते हैं, और केस के थ्रू आप और 3 बार चार्ज कर सकते हो। इस तरह से आपको टोटल 18 घंटे केस के थ्रू प्लस 6 घंटे बर्ड्स का, मीन 24 घंटे का टोटल म्यूजिक टाइम मिलता है। और मैंने अपने टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया तो इस पे एक अजीब सा हुआ, इस पे ऐसा हुआ कि मैंने और भी काफी ईयरफोन्स में ये देखा है, जो मास्टर बर्ड होता है उसकी बैटरी जल्दी डिक्रीज हो जाती है। मींस बाय डिफॉल्ट इसका राइट वाला बर्ड एज अ मास्टर बर्ड काम करता है, तो उसका म्यूजिक प्ले टाइम 100% वॉल्यूम में है 3 घंटे 40 मिनट का। और उसके बाद जब मैंने लेफ्ट वाला बर्ड चेक किया तो लेफ्ट वाले बर्ड में उसके बाद भी 60% के आसपास बैटरी थी, तो मैंने लेफ्ट वाले को अलग से फिर से यूज किया, वो 2 घंटे और चल गए थे। इसके बाद अगर बात करते हैं चार्जिंग में आपको कितना टाइम लगता है, तो पहली बात जैसे मैंने आपको बताया इस पे माइक्रो यूएसबी का सपोर्ट है, आपको टाइप सी तो नहीं मिलता है, और चार्जिंग वैसे ठीक ठाक हो जाते हैं। बर्ड्स को फुल चार्ज होने में 1 घंटा लग जाता है, और केस को फुल चार्ज होने में 2 घंटे लग जाते हैं। चार्जिंग में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और क्विक चार्जिंग की अगर बात करें, कहीं कुछ मेंशन्ड तो नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी ने टेस्ट किया। मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए जब चार्ज में लगाया, जब ये पूरे डिस्चार्ज हो गए थे, तो उसके बाद जब मैंने इन्हें यूज़ किया तो मुझे
38 मिनट्स का म्यूजिक टाइम मिला 100% वॉल्यूम। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है साउंड का। साउंड की अगर बात करें तो जब मैंने ये परचेस किए तो मैंने देखा काफी कम प्राइस का प्रोडक्ट है, तो ज्यादा कुछ मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। इनमें जो कोडेक्स का सपोर्ट है कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है बोल्ट ने, क्योंकि ये भी एक यूएसपी हो सकता था। इस पे एसबीसी, एएसी और एप्टेक्स तीनों कोडेक्स का सपोर्ट है, लेकिन इन्होंने कहीं मेंशन ही नहीं किया है। तो जब मैंने इन्हें कनेक्ट किया तो मैंने देखा कि एप्टेक्स में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगा कि क्यों बोल्ट ऑडियो ने ये मेंशन नहीं किया है। एनीवेज, इनमें जो इनबिल्ट ड्राइवर्स दिए गए हैं वो है 6 mm के ड्राइवर्स, और आउट ऑफ द बॉक्स जो इनका साउंड सिग्नेचर मिलता है आपको वो है बैलेंस्ड, मीन्स इनकी ट्रेबल्स और बेस दोनों अच्छी तरह से सेट की गई हैं, आपको कहीं भी कुछ कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इनका जो इन ईयर डिजाइन है थोड़ा अलग सा है। मेरे केस में नॉर्मली जो मैं बाकी ईयरफोन्स यूज करता हूँ, मैं मीडियम वाला उनका ईयर टिप यूज करता हूँ, इसके केस में मुझे स्मॉल वाला यूज करना पड़ा, क्योंकि इनके सिलिकॉन टिप्स थोड़े अलग टाइप से सेट होते हैं ईयर्स में, तो वो आप जरूर सेट कर लीजिएगा अपने ईयर्स के साथ। अगर बात करते हैं बेस में कितने देता हूँ इन्हें, तो बेस में मैंने दूंगा 4.4 out of 5, अच्छी बेस है, और ट्रेबल्स एंड वोकल्स भी बहुत अच्छे हैं, 4.5 out of 5। तो अगर म्यूजिकली आप लेना चाहते हो तो ये अच्छी चॉइस है, म्यूजिक इनका बहुत बढ़िया है। साथ साथ अगर लाउडनेस की बात करें, लाउड भी बहुत हो जाते हैं, मेरी लिसनिंग में मैंने 40-50% में सुन रहा था, समझ लीजिए इतना लाउड हो जाते हैं। और इनको वाइपर ऑडियो से मैंने ट्राई किया और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने का, इनकी बेस मैंने सोचा और बढ़ा के देखते हैं, बहुत बढ़िया बेस इंप्रूव हो रही थी, मींस इनके चिपसेट और ड्राइवर्स बहुत पावरफुल हैं। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, इस रेंज में साउंड के हिसाब से बहुत सही है। अब अगर बात करते हैं सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है माइक का, तो देखिए माइक में ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं था नॉइज कैंसलेशन वगैरह, लेकिन मैंने देखा कि इन्होंने जो अपनी वेबसाइट में जो मेंशन किया उन्होंने बोला हुआ है डबल माइक, लेकिन डबल माइक उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया कि सिंगल बर्ड में डबल माइक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। लेकिन अगर आप बर्ड्स को देखोगे तो बर्ड्स के ऊपर सिर्फ एक सिंगल होल मिलता है, दैट मीन्स सिंगल माइक ही है इनमें, दोनों बर्ड्स में सिंगल सिंगल माइक है और कोई नॉइज कैंसलेशन नहीं है। मैंने सोचा था कि एप्टेक्स है तो क्वालकॉम का चिपसेट होगा तो सीवीसी नॉइज कैंसलेशन दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है। और मैंने अपने टेस्टिंग में जब इन्हें यूज़ किया तो मैंने देखा नॉर्मल कंडीशन में तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन नॉइजी कंडीशन में ये बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो ये उस टाइम में यूजफुल नहीं है। अगर आप कॉलिंग एक प्रायोरिटी रखते हो तो ये अच्छे नहीं है। तो मैं आपको माइक टेस्टिंग में दिखा देता हूँ माइक कैसा है इनका। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, आप देख लो इनका माइक कैसा है। नॉर्मल कंडीशन में जब बैकग्राउंड में कोई नॉइजेस नहीं है तो ठीक ठाक काम करते हैं। मैं आपको धीरे बात करके मैं दिखाता हूँ। अच्छा, मैं धीरे धीरे बात करता हूँ, कोई प्राइवेट टॉक्स आपको करनी है कि ऐसी जगह मैं बात करनी है, आपको लाउड नहीं होना है, देखिए आपकी आवाज़ कैसी जाएगी, सब समझ सकते हैं इनका माइक कैसे काम कर रहा है। तो अब चलते हैं नॉइजी कंडीशन में, देखते हैं कैसा काम करते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पर जहाँ हैवी म्यूजिक बज रहा है, पार्टी में हो, ऐसी जगह आइडिया हो जाना चाहिए। आपको एक आइडिया हो जाएगी कैमरा में उसमें कितना डिफरेंस है। ये मेरा कैमरा माइक है, आप देख पा रहे हो मेरी आवाज़ कैसी आ रही है और बैकग्राउंड में आवाज़ें भी कैसे आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर चलते हैं इनके माइक में, अब बात करते हैं कुछ इश्यूज की। पहला इशू जो मैंने बताया इनका माइक उतना अच्छा नहीं है। दूसरा इशू जो मुझे लगा वो था कि इनमें ना जब आप बर्ड्स को केस में सिर्फ रखते हो और केस क्लोज नहीं करते हो तो आपका जो भी डिवाइस से कनेक्टेड था तो कनेक्टेड रहते हैं, और अगर आपने म्यूजिक पॉज नहीं किया तो प्ले होते रहते हैं, तो ये भी एक इशू था, क्योंकि केस पे रखने के बाद म्यूजिक पॉज हो जाना चाहिए या फिर स्टॉप हो जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा था, वो म्यूजिक प्ले ही हो रहा था। तीसरा, इनके बटन्स थोड़े हार्ड है, तो क्योंकि ये फुल इन ईयर डिजाइन है तो अगर आप प्रेस करोगे तो थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। चौथा, तो इस पर आपको टाइप सी नहीं मिलता, ये भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, टाइप सी होना चाहिए था। गेमिंग की अगर बात करें, इस पर अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड दिया है, तो आप समझ सकते हो एप्टेक्स कोडेक का सपोर्ट है तो लेटेंसी कम होगी, लेकिन मैंने अपने टेस्टिंग में जब यूज़ किया तो ये बाकी ईयरफोन के जैसे ही परफॉर्म कर रहे थे। मेरे पास सैमसंग का टैब है उस पर मुझे डिले कम मिल रहा था, और मेरे पास एमआई का फ़ोन है उस पर मुझे डिले मिल रहा था, तो यहाँ अगेन डिवाइस डिपेंडेंट हो जाता है। तो गेमिंग के लिए नॉर्मली मैं ब्लूटूथ इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। ऐसे अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करूंगा, तो देखिए अगर आपको साउंड के लिए चाहिए और आपका बजट 2000 तक का है और आप सिर्फ साउंड को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। साउंड क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, टॉप नॉच साउंड क्वालिटी है, अच्छे अच्छे ईयरफोन्स को ये टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछो कि एक ऑलराउंडर चाहिए जिसमें माइक भी अच्छा हो, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। मैं आपको अभी वेयर करके दिखाता हूँ कैसे लगते हैं ईयर्स में। अगर आप पूछो कंफर्ट कैसा था,
तो कंफर्टेबल अच्छा है इनका, लाइट वेट है और स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक रहती है ईयर्स में, जल्दी नहीं निकलते ईयर्स से। अगर आप जिम जॉगिंग में भी यूज करोगे तो स्टेबल रहेंगे ईयर्स में। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मैं आपको पहले राइट वाला दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फुल इन ईयर डिजाइन है, तो आप जब इंसर्ट करोगे से ईयर्स में पुश करके आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ रोटेट करना है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान ऐसा रखना है कि मैंने देखा कि इनका डिजाइन थोड़ा सा अजीब था, मीन्स ये पूरा इंसर्ट करके भी सेट नहीं हो रहे थे, तो मुझे इन्हें हल्का सा एडजस्ट करना पड़ रहा था जब तक मुझे बाहर की नॉइज आइसोलेशन नहीं हो रही थी। जैसे नॉइज आइसोलेशन आपको फील होगा ना बाहर का, आपको सुनाई कम देगा, दैट मीन्स ये सेट हो गए हैं। इसी तरह लेफ्ट वाला, बस आपको इंसर्ट करना है और पीछे की तरफ रोटेट कर देना है इसे। तो देखिए इस तरह से रहते हैं, तो आप देख रहे होंगे, देखिए इस तरह से है मेरे ईयर्स में, लाइट वेट है। और नॉइज आइसोलेशन की बात करें तो अराउंड 70-80% का ये बाहर की मुझे वॉइसेस ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। सही है इनका पैसिव नॉइज आइसोलेशन, अच्छा है इनका, कंफर्टेबल भी ठीक ठाक है। मैंने इन्हें 2-3 घंटे तक लगातार यूज किया था तो मुझे डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ, सही है। और मैं आपको दिखाता हूँ स्टेबल भी है ये, तो देखिए जहां थे वहीं सेट है, मुझे कुछ भी हिलते हुए नजर नहीं आया, जैसा इनका नॉइज आइसोलेशन था वैसा ही है, दैट मीन्स ये अपनी जगह में स्टेबल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको केस को सिर्फ ओपन करना है, जैसे आप ओपन करोगे तो देखिए इस तरह से ब्लिंक करने लग जाएंगे। तो राइट वाला फिलहाल मास्टर बर्ड का काम कर रहा है इसलिए वो वाला ब्लिंक कर रहा है, मीन्स राइट वाला मास्टर बर्ड भी पेयरिंग में चल गया है। तो हम अपने फ़ोन या टैब के ब्लूटूथ में जाएंगे तो देखिए हमें बोल्ट ऑडियो लाइव बर्ड्स आर नज़र आ गए, मीन्स राइट वाला बर्ड भी कनेक्ट हो रहा है। तो देखिए ये कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मोनो मोड में भी काम करते हैं। अभी तो राइट वाला बर्ड कनेक्टेड है, तो मैं क्या करता हूँ लेफ्ट वाले को बाहर निकालता हूँ और केस को बंद कर देता हूँ। तो देखिए इस केस में क्या होगा, जो लेफ्ट वाला बर्ड था उसे भी हमें अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हमें थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, ये भी पेयरिंग में चल जाएगा। देखिए अब लेफ्ट वाला बर्ड भी पेयरिंग में है, तो हम सर्च करेंगे तो हमें सेम एक एल नाम से नजर आएगा, देखिए बोल्ट ऑडियो लाइव बर्ड्स एल, इन्हें कनेक्ट करेंगे तो आपको इस पर पूरा सीमलेस मोनो कनेक्शन नहीं मिलता है, मीन्स दोनों बर्ड्स अगर आप इंडिविजुअली यूज़ करोगे तो थोड़ा सा डिले मिल सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं केस खोलता हूँ देखिए राइट वाला कनेक्ट हो जाएगा। अब तो अगर मुझे अब लेफ्ट वाला कनेक्ट करना है, राइट वाला को नहीं करना है, तो मैं जैसे केस बंद करूँगा ये थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, अब लेफ्ट वाला थोड़ी देर बाद कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कनेक्शन होता है, तो बाय डिफॉल्ट राइट वाला मास्टर बर्ड का काम करता है। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि आपको कोडेक्स कौन कौन से मिल जाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं SBC AAC और एप्टेक्स तीनों सपोर्ट करते हैं, अभी एप्टेक्स में कनेक्टेड है। तो अब जैसे म्यूजिक प्ले हो रहा है तो आप कोई बर्ड को सिंगल क्लिक करोगे तो प्ले पॉज होगा, देख रहे होंगे दोनों में सेम कंट्रोल्स मिलते हैं। अगर आप राइट वाले को डबल क्लिक करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, लेफ्ट वाले से वॉल्यूम डिक्रीज होगी। नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए आपको राइट वाले को क्लिक करके रखना है, प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करके रखना है। गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए ट्रिपल क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब चलते हैं लेटेंसी और गेमिंग टेस्ट पे। तो आपको बस ध्यान देना है कि ये 0 ms में साउंड आती है, जब ये बॉल ड्रॉप होता है 0 ms में तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और हमें कितनी देर में सुनाई देती है वो डिले होता है। तो ये था इनका गेमिंग एंड डिले टेस्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा एक रिव्यू इन बोल्ट ऑडियो के एयरबेस लाइव बर्ड्स का। होप आपको आइडिया हो गया होगा कैसे है, अगर आपको ये लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे वीडियोस ला पाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।